आज हम लोग मोबाइल के दौर में जी रहे हैं, फौरन वीडियो आता है। एक आदमी केरला से शेहाब नाम का हज के लिए पैदल गया, व्हाट्सएप में वीडियो, फेसबुक में वीडियो, यूट्यूब में वीडियो। लेकिन पासकुड़ा में जीने वालों मुसलमानों, एक बार पहली बार हिंदुस्तान से हमारे रब के जानकारी के मुताबिक पैदल हज को गया तो पूरी दुनिया में न्यूज चला गया, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है अरे कुर्बान जाओ हुसैन, जाओ आका हुसैन, एक बार नहीं 25 बार पैदल हज फरमाया। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हुसैन। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया, अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को आज की रात तक जिंदा रखा, और अल्लाह का एहसान कि हमें अल्लाह के महबूब के नवासे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिक्र शहादत करने के बयान करने के लायक रखा, और आप सबों को सुनने के लायक रखा, और आज तक और अभी तक हम लोग बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, पूरी रात हमारी जमात के जिन लोगों ने जो जिस तरीके से पेश किया है, और पासकुड़ा के ये जिंदा दिल मुसलमान जिन लोगों ने सुना है, जिस मकसद से सुना है, ए अल्लाह इनके मकसद को मकसद में कामयाब अता फरमा दे। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, ये अज़ीम फिदिया जो अल्लाह का करम से कुरान पाक की आयत करीमा के तर्जमा और शान नुज़ूल जो अल्लामा मुफक्किर इस्लाम ने बयान फरमाया कि एक मीना की वादी में बचाया अल्लाह ने, और उसकी तकमील कर्बोबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पेश फरमाया। इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन आम शख्स का नाम नहीं है, इमाम हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। बुजुर्गान दीन ने लिखा अपनी किताबों में, इमाम हुसैन का नाम लेना इबादत है। इमाम हुसैन उनका नाम है जो पंच वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा रोजाना 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाया करते थे। इमाम हुसैन उनका नाम है। आज हम लोग मोबाइल के दौर में जी रहे हैं, फौरन वीडियो आता है। एक आदमी केरला से शेहाब नाम का हज के लिए पैदल गया, व्हाट्सएप में वीडियो, फेसबुक में वीडियो, यूट्यूब में वीडियो। लेकिन पासकुड़ा में जीने वालों मुसलमानों, एक बार पहली बार हिंदुस्तान से हमारे रब के जानकारी के मुताबिक पैदल हज को गया तो पूरी दुनिया में न्यूज चला गया, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है अरे कुर्बान जाओ हुसैन, जाओ आका हुसैन, एक बार नहीं 25 बार पैदल हज फरमाया। 25 बार इमाम हुसैन ने पैदल हज फरमाया। और सुनिए,
हम आप जिस मुल्क में जी रहे हैं उस मुल्क में सबसे पहला नबी हम सबका बाप हजरत आदम अलैहि सलाम पैदा हुआ। जी कोई नया लड़का पढ़ने वाला कहेगा ए मौलाना कादरी वो तो श्रीलंका में है, वो तो श्रीलंका में पैदा हुए, हिंदुस्तान से उस वक्त श्रीलंका अलग नहीं हुआ था, श्रीलंका भारत था। कितना खुश नसीब हम है कि अल्लाह का पहला नबी, पहला आदमी, पहला इंसान, पहला मनुष्य अल्लाह ने जिसको दुनिया में बनाकर भेजा वो हमारा बाप आदम पहला नबी इंडिया में पैदा हुआ। और एक चीज और बता दें आप लोगों को, सबसे पहला हज कौन किया मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? सबसे पहला हज हम लोगों के बाप पहले नबी हजरत आदम अलैहि सलाम। वो भी कैसे? साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, जहाज चलाए, न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल, न जहाज, न गाड़ी, न ट्रेन, कुछ नहीं, पैदल। आदम अलैहि सलाम ने पहला हज फरमाया पैदल। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी में 25 पैदल हज फरमाया। इमाम हुसैन का नाना दुनिया, तमाम दुनिया में सारे नानों से सबसे आला, और वो उसका ना जो नाना है हुसैन का वो सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया है, बाप शेरे खुदा हैदरे कर्रार फातेह खैबर, माँ हजरत बीबी फातिमा, नाना भी लाजवाब, बाबा भी लाजवाब, माँ भी लाजवाब। और माँ तो इतनी फजीलत वाली, इतने कमाल वाली कि नबी खुद फरमाते हदीसे पाक में अल फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब? ए दुनिया वालों, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं नबी हूँ वो नबुव्वत का टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ वो रिसालत का टुकड़ा है, मैं ताहिर हूँ वो तहारत का टुकड़ा है, मैं आलिम हूँ वो इल्म का टुकड़ा है। और वो माँ किनकी है? इमाम हुसैन की। पैदा हुए तो गोद मिली फातिमा की, और जरा संभले तो कांधा मिला मौला अली का, और जब चलने लगे तो उंगली पकड़ने को मिली मुस्तफा जाने रहमत। आज मेरा नाती हो आपका हो, मेरा नवासा हो आपका हो, तो अपने घर में टहलाइएगा, बरामदे में टहलाइएगा, मार्केट में टहलाइएगा, मगर कभी आपने हुसैन की जिंदगी पे गौर किया? उंगली पकड़ा है तो किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के अहमदे मुख्तार का, और किसी फारमदे में नबी ने नहीं टहलाया, किसी आम जमीन पे रुए जमीन पे हुसैन को नहीं टहलाया, बल्कि उंगली है मुस्तफा की, और जहां टहल रहे हुसैन वो जगह है मस्जिद नबवी की। नबी आला, उंगली आला, जगह आला, हुसैन कितने हैं है। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने आला हैं, इतने आला हैं कि किसी मुत्तकी का जहन वहां नहीं जा सकता, किसी मुफक्किर का जहन वहां नहीं जा सकता। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, शायद आपके मजमे में कोई गया हो, ये आप लोगों की दुआ की बरकत है कि 2017 में मैं कर्बला गया था, और जो बख्शा जो नक्शा मैंने देखा तो हर सुन्नी मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ कि अगर वो सुन्नी है तो उधर बगदाद जाना चाहिए, उसे कर्बला जाना चाहिए। जिस तरह कर्बला के मैदान में कर्बला की जंग जंग हो रही थी, और आलम थामे हजरत अब्बास अलम बरदार थे, बाजू कट गया दूसरे बाजू से संभाला, दूसरा बाजू कट गया दांत से आलम को संभाला। आज कर्बला जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हुसैन की बारगाह में फातिया करने वाला उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता है जब तक बारगाहे अब्बास में ना चल चल। आज भी ऐसा लगता है, अल्लाह का करम,
वो रास्ता ही ऐसा बना हुआ है कि पहले आपको मौला अब्बास की बारगाह में जाना होगा और वहीं से फिर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जाना होगा।